आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि ओल्ड एज की आपकी पेंशन रुक गई है तो आपको कैसे चालू करना है या कैसे पता करना है कि ओल्ड एज पेंशन आई है नहीं आई है। सबसे पहले आपको गूगल में जाना है, गूगल में लिखना है ओल्ड एज पेंशन, तो पहली वाली ऑफिशियल वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपका ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देगा, यहाँ पर वृद्धा पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, यहाँ पर आप जिसकी मनचाहें चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप वृद्धा पेंशन का यहाँ पर मैं चेक करके आपको दिखा रही हूँ, इनकी पेंशन रुकी हुई है या आ गई है, कैसे चेक करना है। सबसे पहले आपको इस पर क्लिक कर देना ओल्ड एज पेंशन वाले ऑप्शन पे। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर पेंशन सूची जारी कर दी गई है 2023-24 वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर दो नई वाली सूची जारी करी हुई है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपना ज़िला सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर अपना ज़िला सिलेक्ट कर लेना है। ज़िला सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपना विकास खंड जो आपकी तहसील है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद अपना गांव सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर। और जैसे ही आप यहाँ पर अपने गांव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके जितने गांव में ओल्ड एज पेंशन है सारी आ जाएंगी यहाँ पर लिख के, यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारे गांव की जितनी लिस्ट है ओल्ड एज पेंशन की सारी आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये कस्टमर है, यहाँ पर ये देख रहे हैं, यहाँ पर आपके आधार के लिंक बैंक खाते में वृद्धा पेंशन की धनराशि सफलतापूर्वक हस्तांतरित की गई है, कृपया अपने आधार लिंक बैंक खाते में चेक करें। आपकी जो किस्त है जो बैंक अकाउंट आधार से लिंक है उसमें जा सकती है, आपकी किसी भी बैंक अकाउंट में जा सकती है। आप चेक करना है कि आपका आधार किस बैंक अकाउंट में लिंक है, यहाँ पर कैसे चेक करना है। सबसे पहले उनका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से कॉपी कर लेना है। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से कॉपी कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी करने के बाद बैक चला जाना है। इसके बाद यहाँ पर पी एफ एम एस वाली साइट से चेक कर लेना है कि आपकी किस अकाउंट में आपकी किस्त गई है, 100% आपकी पता लग जाएगी कौन सा अकाउंट में आपकी किस्त गई हुई है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है KYC तो आपको MPCI करवाना पड़ेगी अपने अकाउंट की, तभी आपकी किस्त आपके अकाउंट में आ सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और कमेंट में लिख के बताना कि क्या प्रॉब्लम है आपके पेंशन में।